हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लादी पाव की रेसिपी बिना अंडे के। बहुत ही इजी और सिंपल, इसे बहुत सारी रेसिपीज के साथ यूज़ किया जाता है। वड़ा पाव के साथ, पाव भाजी के साथ, मिसल पाव के साथ, या फिर आप चाहे हर किसी के साथ इसे खा सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करेंगे हम। लादी पाव बनाने के लिए पहले हमें ईस्ट एक्टिवेट करनी है। उसके लिए पहले हमें लेना है दूध, हल्का सा गुनगुना दूध है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून ईस्ट, ड्राई ईस्ट है ये। और ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। 1 चम्मच शुगर, और हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए ढककर रखना है ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिव हो जाए। देखिए हमारे ईस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। जब ये ईस्ट ऊपर आ जाए तो ये अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है, तभी उसके अंदर उससे डो बनाए, ना फिर ये अच्छी तरह से उभरे नहीं तो उसे डो ना बनाए, हमारे पाव अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप मैदा। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छी तरह से डो बना लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करें। और इसे हमें लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से गूंदना है। इसे जल्दी नहीं गूंदना है, जितना हो सके जितना ज़्यादा इसे गूंदे और इसे अच्छी तरह से डो फॉर्म में लाए। अब ये स्टिकी लग रहा है, बाद में ये स्टिकी नहीं लगेगा, ये अच्छी तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बटर, बटर भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से डो फॉर्म में इसमें लाएंगे हम। देखिए हमारा डो अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसे हम ढककर रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाता तब तक इसे हम ढक के रखने वाले हैं। डो साइज में डबल हो चुका है, अब इसे हम अच्छी तरह से एक बार और अच्छी तरह गूंद लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। साइड बाय साइड हम बेकिंग टिन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। देखिए इस तरह का टिन मैंने लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बटर लेंगे और इस तरह पूरा ग्रीस कर लेना है। देखिए मैंने हर तरफ बटर लगा लिया है। बटर की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसके ग्रीसिंग के लिए। अब इसके ऊपर मैं 1 चम्मच मैदा डस्ट कर लूँगी पूरा, देखिए इस तरह, और हर तरफ मैदा लगा लेना है। देखिए इस तरह मैंने हर तरफ मैदा भी पूरा डस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा मैदा है इस तरह निकाल लेना है, सारा वो रखना नहीं है। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह हमने छोटे छोटे डो के बॉल्स बना लेने हैं और ये एक एक करके इस तरह रखने हैं। थोड़ा सा गैप रखना है बीच में, ये और फूलने वाला है और बेक करने के बाद भी और फूलेगा। देखिए पाव इस तरह सेट करने हैं, हल्का हल्का सा गैप होना चाहिए बीच के अंदर ताकि राइस भी होने वाले हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध लगा लेंगे शाइन के लिए। अब इसे हम आधे घंटे के लिए और इसी तरह छोड़ेंगे ताकि ये बॉल्स पूरा और राइज हो जाए। इसे ढककर रखना है भी लगभग आधे घंटे के लिए। देखिए कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसे हम बेक करेंगे लगभग 20 मिनट के लिए, 20 या 25 मिनट के लिए। पहले हमें माइक्रोवेव रीहीट करना है 180 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर ही इसे बेक करेंगे। चलिए फिर इसे बेक करते हैं। देखिए हमारी लादी पाव बेक हो चुकी है। अब इस पर हम थोड़ा सा बटर अच्छी तरह से लगा लेना है और इसे
गीले कपड़े से, गीले यानी हल्का सा गीला कपड़ा, उसके ऊपर से इसे ढककर रखना है एक 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाते हैं, नहीं तो फिर ये कड़क हो जाएंगे अगर हम इसे ढक के नहीं रखेंगे तो। देखिए हमने बटर लगा लिया है, अब इसके ऊपर इस तरह हमने ढककर रखना है इसे लगभग 10 मिनट के लिए। देखिए हमारे पाव कितने अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट बन चुके हैं, देखिए इस तरह, देखिए इस तरह हमारे पाव अच्छी तरह से सॉफ्ट बन चुके हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।